हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपकी फैमिली में से किसी को कोई आउटसाइडर इस्तेमाल कर रहा है, या हो सकता है इनसाइडर ही हो, लेकिन आपके खिलाफ एक इनसाइडर दूसरे इनसाइडर को इस्तेमाल कर रहा है। आपका कोई अपना आपके ही किसी अपने को इस्तेमाल कर रहा है आपके खिलाफ। क्यों, इसकी मंशा क्या है, क्या ये करते हैं, क्या आपको ये चीज का आभास तो है लेकिन आप शायद इसके बारे में कुछ कर नहीं पा रहे। आप खुद सोचते हैं ऐसे इंसान को मैं कैसे डील करूं और ये कौन है जो मेरे अपनों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। आइए देखते हैं आज की रीडिंग में कौन है ये पर्सन, क्या कर रहे हैं और क्यों भड़काते हैं आपके अपनों को आपके ही खिलाफ। Why is this person using another person in your family against you? What are their intentions? एक बात हमेशा याद रखिए मेरे फ्रेंड्स कि जब कोई किसी को इस्तेमाल करता है आपके खिलाफ, इस्तेमाल करने वाला गलत तो है, इस्तेमाल होने वाले को भी माफी नहीं होनी चाहिए। कई बार हम क्या सोचते हैं, ये तो भोला है, ये तो भोली है, इसको इस्तेमाल कर लिया। हाँ, अगर वो एज में बहुत ज्यादा छोटे हैं तो हम समझ भी सकते हैं, लेकिन जो मैं देख पा रही हूँ इस रीडिंग में कि ये पर्सन जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है और जो इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों काफी मैच्योर और सेंसिबल है, तो इसमें दोनों को माफी तो बनती नहीं है किसी भी अंदाज में। अगर आप ये सोचते हैं कि इनको माफ कर देना चाहिए तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। ऐसे लोगों को सीधा रखना है तो अपनी अकड़ में रहिए, तभी ये अपनी औकात में रहते हैं। आप इनके सामने ढीले डप्पू हुए तो आपको कहाँ खा जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज ये है कि ये जिसको इस्तेमाल करे ना उस पर्सन को ये काफी फेवर्स देते हैं। 10 of Pentacles, पैसे का फेवर देते हैं, मतलब जिस पर्सन को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं उसको फेवर्स देते हैं। चलो तुम्हें पिक्चर दिखाएंगे, चलो तुम्हें पैसे देंगे, देते भी हैं। मैं ये नहीं कहूंगी सिर्फ बहलाते फुसलाते हैं, करते भी हैं। और ये पर्सन कुछ चीजों की लालच में, कुछ बेनिफिट्स की लालच में ये इनका साथ देते हैं आपको लेट डाउन करने के लिए। क्यों आपको लेट डाउन करना इन्हें अच्छा लगता है? पहले तो ये आपको बहुत ही अपनी इनकी नजर में आप बहुत ही पावरफुल हैं, आपकी वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा हाई है, मतलब आप फर्म एटीट्यूड वाले हैं, कट्टरवादी हैं अपने उसूलों को लेकर। तो ऐसे लोगों से आमतौर पे किसी के लिए भी अकेले लड़ना मुमकिन नहीं होता। जब आप अपने उसूलों पे कठोरता से खड़े रहते हैं, अपने उसूलों की इज्जत करते हैं, जो उसूल आप मानते हैं उसे बनवाते भी हैं, जब आप में ऐसी हाई वाइब्रेशंस, हाई एनर्जीज होती हैं, तो लोग जो होते हैं ना लो वाइब्रेशंस में, उनको आपसे नफरत होती है, वो आपसे जलते हैं, आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, इसलिए एक ग्रुप बना लेते हैं फैमिली के अंदर ही और उनको बहलाते फुसलाते हैं आपके खिलाफ खड़ा करने के लिए। क्योंकि आम तौर पे कमजोर लोग ये सोचते हैं कि हमको मेजोरिटी में होना पड़ेगा इसे हराने के लिए, तो ये अपनी एक मेजोरिटी ग्रुप बनाते हैं आपको अकेला करने के लिए। और जो इनकी बातों में आते हैं वो भी उतने ही निकम्मे हैं जितना ये इंसान निकम्मा है जो इनको इस्तेमाल करता है। ये आपकी फैमिली मेंबर्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर कोई मुझे ये कहेगा ऐसा फैमिली में नहीं होता, तो सबसे बड़ी बर्बादियां हमेशा फैमिली से ही शुरू हुई है लोगों की। आप हिस्ट्री में किसी भी परिवार के बारे में अगर पढ़ना चाहते कि वो क्यों टूटा, तो उसकी शुरुआत उनके फैमिली से ही होती है। लेकिन आपको इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, ऐसे लोगों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको कहा ना, अकड़ में रहिए, औकात में रहेंगे। ये आपके खिलाफ इनको हथियार बनाते हैं जो पर्सन, ये इम्पल्सिव है, जो जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो थोड़े इम्पल्सिव है, तो इनको अपना हथियार बनाते हैं ये आपके खिलाफ भड़काने के लिए, क्योंकि ये जानते हैं अगर ये ग्रुप में रहेंगे तो आपको हराना इनके लिए इजी हो जाएगा। आपको अकेला कर देना चाहते हैं, ये चाहते हैं आप बिल्कुल अकेले हो जाएं। जब आप अपनी कोई बात रखे, आपको सुनने वाला कोई ना हो, सबका एक ग्रुप हो और आप अकेले पड़ जाए, ऐसा ये चाहते हैं। और ये कोई
अभी अभी की बात नहीं कि इन्होंने इनका इस्तेमाल करना शुरू किया है, पहले तो इन्होंने इनको धीरे धीरे बिना कोई काम बताए फेवर्स दिए, और जब ये पर्सन इनके शिकंजे में पूरी तरह से गिरफ्त में आ गए तो अब ये इनको फेवर्स भी दे रहे हैं और इनसे ये काम भी करवाते हैं कि आपकी इमेज को लेट डाउन करना बहुत जरूरी है इनके लिए। फैमिली में देखो, फ्रेंड्स में देखो, ये आपकी इमेज को तोड़ने की कोशिश करते हैं। आपने भी नोट किया होगा जहां रिलेशंस में प्यार था, जिनके साथ आपके रिलेशंस में इतना अफेक्शन रिस्पेक्ट का एक रिश्ता था, वहां भी वो खत्म होता जा रहा है। आपकी जो खूबियां है ना, उनको ये खामियों में दिखाना चाहते हैं। अगर आप खाना अच्छा बनाते हैं, आप कुछ अच्छी, आप में कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी है, हर चीज को ये अंडर एस्टिमेट करवाना चाहते हैं सबकी नजर में। ये चाहते हैं इनको एक्चुअली जो आपकी तारीफें होती थी, आपके लिए लोग जो वाहवाही करते थे, उस चीज से इतनी तकलीफ पहुंची है और जिसकी वजह से ये ऐसा बिहेव करते हैं और खुद आपके सामने बुरा नहीं बनना चाहते। ये इनकी सबसे बड़ा जो इनका कमीनापन है यही है, आपको असंतुलित बताना चाहते हैं। ये इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं, आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, आपको ऐसा कुछ बोलते हैं कि जब आप सामने कुछ बोले ये आपको असंतुलित बताना चाहते हैं। अरे इतना एक्साइट क्यों हो रहे हो, अरे ऐसी क्यों बात कर रहे हो, ऐसा करके ये आपको वीक करना चाहते हैं। लेकिन आपकी जो खूबी मैंने देखी है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड फर्म, ये जो सेवन ऑफ वॉन्ड्स है, फर्म एटीट्यूड आपका, और जजमेंट कार्ड है, ये साबित करते हैं कि आप टूटे नहीं है इनकी हरकतों से। बस आपको ये अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि आप करें तो क्या करें। लेकिन मैं एक चीज आपको फिर से याद दिलाऊंगी, जो करता है और जो इनकी बातों में आता है, दोनों ही निकम्मे लोग होते हैं। ये बात को हमेशा याद रखिए और उनको उनकी औकात में रखिए, उनको बड़ा मत मानिए। अगर वो बड़े हैं उम्र में और ऐसा कर रहे हैं तो उनको बड़ा मत मानिए। मैं ये नहीं कह रही आप उनका अपमान कीजिए, लेकिन उनको उनकी हद में रखिए, उनको अपनी हद में आने की इजाजत बिल्कुल ना दे। एक अकड़ को रखे, एक अपने आप को ऐसा दिखाए कि इनको आपके सामने मुंह खोलने से भी डर लगे, तो ये साइकिल अपने आप क्लियर हो जाएगी। ये जो आपको अब तक आपने अपने आप को संयम में रखा, ये सोच के ये मुझसे बड़े हैं या इनकी ये स्टेटस है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत सोच है आपकी। अपने आप को नुकसान पहुंचा के या दूसरों को आप नुकसान पहुंचाने दे और उसके बाद भी आप संयम रखें कि वो सुधर जाएंगे, वो ऐसे नहीं सुधरेंगे जब तक आप उनको कोई सबक नहीं सिखाएंगे। तो आप कुछ भी अगर करेंगे, रिटेलिएशन करेंगे, तो आप कुछ गलत नहीं कर रहे, ये बात को याद रखिए। ये आपको अकेला कर देना चाहते हैं, ये चाहते कोई आपके आसपास आपका सहारा ना रहे। कोई बात नहीं, अगर ऐसा होता भी है, आपकी फैमिली आपके खिलाफ हो जाती है, आपके अपने आपके खिलाफ हो जाते हैं इस पर्सन की बातों में आके, तो मेरी नजर में इन लोगों का होना ना होना एक समान है। कुछ गिनती मत कीजिए, अपने में मस्त रहिए, एकदम हरफन मौला की तरह अपनी लाइफ बिताइए। इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं, ये आपके लेवल पे आ ही नहीं सकते, ये इतने नीचे हैं, आप इतने ऊपर हैं इन लोगों से कि आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये आपको नीचे खींचे इसकी भी इजाजत आप इन्हें नहीं देंगे। तो इनको इनकी मर्यादा में रखें, इनको इनकी औकात में रखें और अपने आप पर नुकसान मत पहुंचाने दें। अगर आपके लिए पॉसिबल होता है तो इनके साथ बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन कर दें। अगर नो कांटेक्ट नहीं कर सकते तो इनको इमोशनली, इनको अपने आप से आप इनको डिटैच कर दें। आप इनके बारे में ये मत सोचिए आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या कह रहे होंगे, क्या चल रहा होगा, ये सब चीजों से आप परे हो जाएं और इसी में आपकी जीत है। तो आपको खैर पता चल गया है कि आप इतने ताकतवर हैं कि आपको हराने के लिए कुछ निकम्मे लोग आपस में जुड़ गए हैं, तो इनको कुछ गिनिए ही मत। आइए देखते हैं यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आ गया, योर इन एनिमीज आर प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, आपके दुश्मन आपके खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र करते रहते हैं और करेंगे क्या, आपको हराने के लिए ये सब छोटी छोटी हरकतें करते हैं। दे आर ट्राइंग टू नो योर हिडन इमोशंस, एक्चुअली ये जानना चाहते हैं आपके वीक मोमेंट्स क्या है। आपको किसी के सामने ये पेश होने नहीं देना है कि आप कौन सी चीज से टूटते हैं या कौन सी चीज से जुड़ते हैं, ये आपकी अपनी पर्सनल बात है, इसको किसी के सामने बाहर मत आने दें। ये आपके हिडन इमोशंस को समझने की हर पल कोशिश में लगे रहते हैं।
आपको बहुत जल्द उन लोगों की सच्चाई पता चल जाएगी। कुछ लोगों की सच्चाई आपके सामने अब तक नहीं आई है कि कौन है जो आपके खिलाफ ये सब षड्यंत्र करते हैं, आपके घर के लोगों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। बहुत जल्दी आपके सामने ओपन हो जाएगा। मैंने तो कहा ये ज्यादा 95% केसेस में घर के लोग ही हैं और घर के लोगों का ही यूज कर रहे हैं। दे आर मेकिंग सम डेंजरस प्लान, बी अवेयर ऑफ इट। आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, आपका नाम खराब करने के लिए, आपको जैसे बोलते ना एक असंतुलित बिहेवियर वाला इंसान साबित करने के लिए कोई ना कोई प्लान बनाते रहते हैं। आप इससे डरिए मत, लेकिन सावधान रहिए। जब अटैक करे तो काउंटर अटैक या रिटेलिएशन जरूर कीजिए। कोई बड़ा न्याय आपको मिलने वाला है, जजमेंट कार्ड तो आया ही था, बहुत बड़ी जस्टिस आपके लिए आने वाली है जल्द ही। दे आर और हैव शिफ्टेड टू अ न्यू प्लेस। आप किसी के बारे में सोच रहे हैं कि ये पर्सन वही है कि जिसके बारे में आपको कुछ बात का शक है, तो उस पर्सन के लिए आपको एक मैसेज मिला है कि ये अभी अभी किसी नई जगह पे शिफ्ट हुए हैं या शिफ्ट होने वाले हैं। आपकी सेक्सुअल एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं। हो सकता है आप बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत खूबसूरत है, और आपकी इस खूबसूरती से, जलन की वजह से ये आपके लोगों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं ना, किसी को कमजोर करना हो तो उसकी ब्यूटी और उसकी सेहत को खत्म कर दो। तो ये ऐसा सोचकर आपके पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके एंजल्स का आप पर बहुत ज्यादा आशीर्वाद है। बैड इंटेंशंस फॉर यू, इनके इंटेंशन आपको लेकर सही नहीं है। खैर, ये तो आप समझ ही गए हैं इतना रीडिंग में देखने के बाद। दे वॉन्ट यू टू क्राई, ये चाहते आप रोते रहे, बिलखते रहे, लेकिन आपको रोना भी नहीं है, बिलखना भी नहीं है। जो ये आपके साथ करना चाहते हैं, आपको उनको उस परिस्थिति में लाना जरूरी है, इनको इनकी औकात दिखाना जरूरी है। 5:13 संडे एरीज लियो, आपकी या इनकी इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं। स्लो डाउन अ लिटिल, यू आर मूविंग टू फास्ट। आपके लिए कुछ आपके एंसेस्टर्स ने एक मैसेज भेजा है, यूनिवर्स ने एक मैसेज भेजा है कि आप बहुत ज्यादा तेज भाग रहे हैं किसी चीज को लेके, किसी फीलिंग की वजह से। शायद आपको आपके अंदर कोई बवंडर बचा है, कोई गुस्सा है, आप बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं, तो जरा स्लो डाउन हो जाइए। 2:14:45 आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं। इनको अब इलाज की जरूरत है, दे आर सीवियरली डिप्रेस्ड। किसी के बारे में जो आप सोच रहे हैं ना, इनको इलाज की जरूरत है, वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है। अगर आपको लगता है आपको इनकी मदद करनी चाहिए तो कीजिए, अगर आपको लगता है ये यही डिजर्व करते हैं तो इनको इसमें जाने दीजिए। डिप्रेस्ड है तो ये आपका मसला नहीं होना चाहिए। आपकी लक बहुत स्ट्रांग हो रही है, आपका जो लक है ना वो बहुत फेवरेबल हो रहा है, आपके फेवर में जा रही है ये चीजें। क्योंकि जब आप ये रीडिंग देख लेंगे, आप चौकन्ने हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे, और जब आप सावधान हो जाते हैं, हर गलत चीज सही होना शुरू हो जाती है, हर गलत सिचुएशन सही शुरू होना हो जाती है शुरू, क्योंकि आपको रियलाइजेशन आने लग जाता है कि ये सही है और ये गलत है। May 5, 1 January आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स होने के पूरे चांसेस हैं। दे वॉन्ट योर ब्यूटी, अभी मैंने आपको बताया था कि इनको आपकी खूबसूरती चाहिए, आपकी ब्यूटी से भी जलते हैं, इसलिए आपके खिलाफ ग्रुप बनाते हैं, गुट बनाते हैं, आपको अकेला करते हैं ताकि आप तड़प तड़प के आपकी हेल्थ और ब्यूटी खराब हो जाए, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। किसी ने मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काया था, ये जो इंसान आपके खिलाफ कई केसेस में, मैं कहूंगी मेरे व्यूअर्स को कि आपके खिलाफ जिनको इस्तेमाल किया गया था, कुछ उसमें से लोगों को रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने आपके खिलाफ इनकी मदद करके गलत की है बात, तो ये आपसे माफी मांग रहे हैं कि किसी ने मुझे आपके खिलाफ भड़काया था। जब तक ये खुद से माफी ना मांगे, ये माफी के पात्र है भी नहीं। तो वॉट मेक्स यू हैप्पी, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए, जो आपको खुशी दे वो चीज कीजिए। 15 Wednesday 28 आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स होने के पूरे चांसेस हैं। Someone is manipulating your generosity, आपकी अच्छाई का बहुत ज्यादा कोई फायदा उठा रहा है, और अगर आप ऐसा होने दे रहे हैं तो आप बहुत बड़े मूर्ख हैं। मैं आपको साफ शब्दों में बात कहूंगी, आपको इन्हें रोकना चाहिए। थोड़ा बहुत दूसरों की नजर में गलत होते हैं आप, हो जाइए, लेकिन अपने साथ भी वफादारी कीजिए। सिर्फ औरों से वफादारी करना महानता नहीं है, खुद के साथ वफादारी करना भी बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। May 13 आपकी लाइफ के या इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स होने के पूरे चांसेस है।
उनको आपके बदले अंदाज से तकलीफ हो रही है। मेरे काफी व्यूअर्स ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुके हैं, उनको समझ आ गया है कौन किसको किसके खिलाफ भड़का रहा है। तो आपने ये समझकर अपना जो एक अकड़ है ना वो बढ़ा दी है और आपके इस बदले हुए तेवर से इनको बहुत तकलीफ हो रही है जो आपके खिलाफ किसी का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो इस्तेमाल हो रहा है। बॉडी मार्क्स टेक केयर LTX9 2838 आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि आपकी बॉडी पे मार्क्स आ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए, इसका मतलब नेगेटिव एनर्जीज आप पर असर कर रही हैं। लेकिन जब आप इनको इनका इलाज करते हैं ना अपने बॉडी मार्क्स का, ये नीले नीले दाग आ जाते हैं बिना कोई चोट लगे, तो ये अपने आप कमजोर पड़ते हैं। अगर आप इसे चलने देंगे पढ़ने देंगे तो ये बढ़ते ही रहेंगे। आपके लिए मैसेज है, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं वो आपकी मदद करना चाहते हैं, तो आप अपने बॉडी मार्क्स के खिलाफ मतलब उसे एक्सेप्ट मत कीजिए, उसका इलाज कराइए। दे वॉन्ट टू इन्वेड योर प्राइवेसी, आपकी जो एक प्राइवेट जोन है, कंफर्ट जोन है जो आपका, उसमें ये घुसना चाहते हैं, इन्हें वो इजाजत मत दीजिए, केयरफुल रहिए। BKL 2755 थर्सडे इनकी लाइफ के या आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स होने के पूरे चांसेस हैं। वेरी इगोइस्टिक फादर या फादर इन लॉ या कोई फादर जैसा फिगर आपकी लाइफ में बहुत इगोइस्टिक है, शायद ये इस्तेमाल कर रहे हैं या ये इस्तेमाल हो रहे हैं, दोनों ही केसेस में आपको जवाब मिल गया है। डोंट बिलीव पीपल इजिली, लोगों पे इजिली भरोसा मत कीजिए। अगर आपकी ये आदत है तो इसे चेंज कीजिए, हर बात को वेरीफाई करके हर बात को समझने के बाद ही किसी पर भरोसा कीजिए, नहीं तो आपको नुकसान होना लाजमी है। Your confidence is rising, keep it up. आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है और इन लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि ये आपके कॉन्फिडेंस को ही तोड़ना चाहते थे, लेकिन आप इसके सामने भिड़ चुके हैं। आपने भी इस मुहिम को चालू रखा है कि नहीं हारना है मुझे किसी के सामने, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। 15-10 थर्सडे आपकी लाइफ के या इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी थॉट्स पर थोड़ा रोक लगाओ, पहले भी ये मैसेज आपके लिए आया कि आप थोड़े तेज जा रहे हैं, तो अपने जो थॉट्स है ना उस पर भी रोक लगाइए। जब आपकी थॉट्स स्लो होगी आपके एक्शन भी स्लो और सेंसिबल हो जाएंगे। कई बार हम अपने इमोशंस के स्पर्ट में बहुत ज्यादा आगे सोचते हैं, बहुत ज्यादा प्री जज करते हैं और अपने लिए ही मुश्किलें खड़ी करते हैं। वो आपको सारा सच बताना चाहते हैं, कोई है जो आपको पूरी बात की सच्चाई बताना चाहते हैं कि कौन किसको इस्तेमाल कर रहा है आपके खिलाफ। टॉरस NFT 817 आपकी लाइफ के या इनकी लाइफ के इम्पोर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं। बहुत जल्द आपके सामने किसी का बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। एज पर दिस कार्ड, अ काइंड हार्टेड फ्रेंड और नेबर केयर्स फॉर यू, कोई आपका बहुत ही खास दोस्त या पड़ोसी ही आपको हेल्प करेगा ये गुत्थी को सुलझाने में, कौन आपका इस्तेमाल कर रहे हैं और किसका इस्तेमाल किया जा रहा है। थोड़ा समय दो, सब ठीक होगा, आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज है, थोड़ा टाइम दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मई अगस्त लिब्रा आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स होने के पूरे पूरे चांसेस है। ये एक आध कार्ड और निकाल के रीडिंग को करते हैं कम्प्लीट। आपका कोई पुराना सपना पूरा होने वाला है, कोई पुराना ड्रीम है, कोई आपका ख्वाब है, कोई आपकी बहुत बड़ी इच्छा है, बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। फ्रेंड्स रीडिंग होती है कंप्लीट, आज का एफर्मेशन है आई विल लेट नो वन मैनिपुलेट मी, मैं किसी को भी अपना इस्तेमाल करने नहीं दूंगा या करने नहीं दूंगी। ये एफर्मेशन लिखते ही आपके एंसेस्टर्स और यूनिवर्स एक्टिवेट हो जाएंगे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए और ये आपके सामने बात लाने के लिए, कौन है जो इस्तेमाल कर रहा है और कौन है जो इस्तेमाल हो रहा है, और दोनों को सजा मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके केस में। तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपको किस पर शक है, कौन आपका इस्तेमाल, कौन आपके किसी पर्सन का, घर के मेंबर का इस्तेमाल कर रहा है, वो जो इस्तेमाल करने वाला आपको क्या लगता है कौन है, और जो इस्तेमाल हो रहा है वो कौन है, डेफिनेटली मेंशन कीजिए और आप अपनी अकड़ में रहेंगे, उनको सबक सिखा के रहेंगे। ये प्रण के साथ इस रीडिंग को खत्म कीजिए। तो लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा, बाय बाय।